जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। सकल और सकल
और सकल माने टुकड़ा हो जाता है और सकल माने संपूर्ण हो जाता है। अर्थ कितना बदल गया। नैवं तु काज सकले किरणा मिले भी, अगर उसने आपने सा गलत बोल दिया तो अर्थ बदल जाएगा पूरा। इसी तरीके से यहां पर भी है, तम संभवासन हो गई, संतप्त मानस्य जनस्य लोके आसीरिहाकस्मिक एव वैद्यो, वैद्यो यथानाथ रुजान प्रसादै, तम संभवात् संभव। अब एक जीव में लग रहा है, जीव दान में लग रहा है, एक लग रहा वसूड़े में, जो वसूड़े में लगेगी उससे संभव बहने वाला आएगा और दूसरे वाले में दान में जीव लगेगी। ये अंतर समझ में आएगा। संतप्त मानस से जनस से लोगे आसी रिहाकस्मिक एव वैद्यो, वैद्यो यथानाथ रुजान प्रसादै, तम संभवा संभव दास रो गई, संतप्त मानस जनस रोगे। अनित्य मंत्रण महम क्रिया भी प्रसक्त मिथ्याद्य मिथ्याद्य वसाय दोषम इदं जगत जन्म जरांतकार्तम निरंजनाम शांति मजीग वस्पम। अनित्य मंत्राण महम क्रिया भी प्रसक्त मिथ्याद्य बसाय दोषम इदं जगत जन्म जरांतकार्तम निरंजनाम शांति मजीग वस्पम। अनित मंत्राण महम क्रिया भी प्रसक्त मिथ्याद्य वसाय दोषम इदं जगत जन्म जरांतकार्तम निरंजनाम शांति मजीग वस्तम। अब दो काव्यों पर ही अपन को आज विचार करना है। तो जो संभव है, अब संभव का मैंने बताया, संभव का अर्थ होता है सम माने सुख, भववा भवती इति संभवा, जो सुख प्राप्त जिससे जीवों को भव्य जीवों को सुख प्राप्त होता है वो संभव कहलाते हैं। और संभव माने उत्पन्न होना, कौन से रोग तिरसा हो गई तस हो गई, तृष्णा रूपी रोग जो उत्पन्न होने वाला है, तो दो चीजें हो गई, तब आप संभव है और आप वैद्य है। जो तृष्णा रूपी रोग उत्पन्न हो रहा है उस रोग को समझ
समाप्त करने के लिए आप व्यर्थ हैं। अर्थात वैद्य का अर्थ क्या हो गया? डॉक्टर। तम संभव असंभव तस रोगी संतप मानस जनस लोगे। जो तपे हुए लोग हैं, संतप्त हैं, अर्थात जो अतिशय पीड़ित हैं, ऐसे जन समूह के लिए आप तथा आकस्मिक वैद्य हैं। आकस्मिक वैद्य माने कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। ऐसे आप वैद्य हुए थे, यथा जिस प्रकार से अनाथ रुझान अर्थात असरण मनुष्यों के रोग जो होते हैं उनके लिए प्रशांत शांत करने के लिए, प्रशांत ही माने शांत करने के लिए आप क्या है? वैद्य हैं। धन आदि की इच्छा से रहित होकर के आप वैद्य हैं। एक बात बहुत अच्छी आप समझ लेना, सच्चा वैद्य, सच्चा ज्ञानी, सच्चा साधु धन की कोई अपेक्षा नहीं रखता है, और जो धन की अपेक्षा रखता है वह श्रावकों की चापलूसी करेगा। और परस्पर प्रशंसन थी अवरूपम अवसरा पुष्टानाम विवाहेशु गीतम गायति गर्भवा। परस्पर प्रशंसन थी अवरूपम अवसराय। इस बात पर आप विचार कर लेना कि ऊंटों का विवाह हो रहा था और ऊंटों के विवाह में गधों को बुलाया गया, तो गधे क्या कर रहे थे? गाना गा रहे थे। तो ऊंट कह रहे थे क्या, गधे कह रहे थे क्या सुंदर रूप है किसका? ऊंटों का। और ऊंट कह रहे थे क्या सुंदर स्वर है? अहम रूपम अहो सरा। तो ये ध्यान रखना, आज जिनवाणी को छोड़ करके जितने भी प्रवचन होंगे वे सब अहो रूपम अहो सराय के रूप में होंगे। अर्थात हम लोग जो है एक दूसरे की तारीफ करने में लगे हुए, और तारीफ कैसे करते हैं? सच्ची नहीं करते, झूठी करते। क्या करते हैं? झूठ तो कर, अरे साहब आप बहुत अच्छे हो, लेकिन एक बार विचार करना कि ऐसा वैद्य डॉक्टर वो कहलाता है जो आपसे ये कहने कि आपने गलत काम किया। वो डॉक्टर कैसे हो सकता है जो आपने गलत अपथ्य खाया और फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाए? होता है ऐसा कि नहीं होता डॉक्टर साहब? आप एक पुतलदारी डॉक्टर साहब थे मुंगौली में, उनसे लोग बहुत डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि वो हर आदमी को डांट दिया करते, जाओ दूसरी जगह इलाज कराने, मेरे पास तो इलाज नहीं। अनुशासन। आज एक सबसे बड़ी स्थिति यही है कि हम लोग चापलूसी की ओर बढ़ गए, जबकि वैद्य मोक्ष मार्ग का जो वैद्य होगा वो किसी की चापलूसी नहीं कर सकता है, और जो चापलूसी कर सकता है वो मोक्ष मार्ग का वैद्य नहीं हो सकता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग तो वहीं से चलता है, मोक्ष मार्ग में कोई समझौता नहीं हो सकता है, और जहां समझौता होता है वह मोक्ष मार्ग। आचार्य विद्यासागर जी ने किसी से कभी कोई समझौता किया क्या? अब जिन लोगों ने, एक सज्जन ने मेरे से कहा, अहमदाबाद में शेखर चंद जी डॉक्टर थे, बोले मैंने आचार्य विद्यासागर के पास जाना बंद कर दिया। क्यों? बोले वहां जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं,
दूसरे साधुओं के पास जाओ तो होटल व्यवस्था हो जाती है, बढ़िया भोजन की व्यवस्था हो जाती, सारी चीजें हो जाती है। वहां जाओ तो कोई पूछता ही नहीं कि आप कहाँ से आए, क्या आए और कैसे आए, क्या करना है। तो बोले इसके ज्यादा बंदे मैंने बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि आपको मोक्ष मार्ग तो चाहिए नहीं है, क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी के पास मिलेगा मोक्ष मार्ग, और जो मोक्ष मार्ग देगा कमल जी चाकू से ही, और तुम जैसे विद्वानों की तो कह ही नहीं सकता कि जो सिर्फ सुविधा के लिए ही जा रहे हो। यहाँ तो वहां तो जो आता है, एक बार बहुत अच्छा संस्मरण बता दूंगा आप लोगों के लिए, नेहरागढ़ तो आप लोगों ने देखा होगा, नेहरागढ़ में एक प्रोफेसर डॉक्टर पहुंचे, डॉक्टर थे प्रोफेसर, उन्होंने महाराज जी हमारी बस का समय हो गया है, कैसे कर दिया अनंत जी, वो बैठ गए, उन्होंने सोचा जैसे बैठने कर दिया। दूसरी बात फिर बोले कि महाराज जी अब मैं जा रहा हूं और बिल्कुल अब बस के लिए टाइम हो गया है, फिर ऐसे ऐसे सब क्या कर रहे थे। तीन बार ये हो गया, जब तीन बार हो गया तो बोले महाराज जी अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तो आशीर्वाद दे दो, हमें जाना ही है। उन्होंने आना जाना तो लगा ही, आना जाना तो लगा है। अब इसका अर्थ क्या हो गया, आना माने उत्पाद, जाना माने व्यय, और लगा है माने ध्रुव। आचार्य ने समझा दिया उनके, आप जाना चले जाइए, बैठना बैठ जाइए, रहना रह जाइए, नहीं रहना मत रहना। तो ये ध्यान रखना, ये आचार्य श्री का बहुत बड़ा श्रेष्ठ फार्मूला है। वो कहते हैं उपदेश देते हैं, वचन नहीं देते, प्रवचन देते हैं। और इसीलिए कई लोगों ने आचार्य श्री की इस वाणी का अनुकरण करके जीवन को बदल दिया है, और कई लोगों ने अनुकरण नहीं किया। अब बात ये आती है कि यहां पर ये कह रहे हैं कि ये भगवान आप जो है ना, आप कैसे हैं, तो आप एक वैद्य हैं, और वैद्य कौन हो सकता है, वैद्य वही हो सकता है जिसे पूरा ज्ञान है, और जो ज्ञान को निष्पक्ष भाव से प्रस्तुत कर सके वही वैद्य होगा। और निष्पक्ष भाव से पहले प्रस्तुत करने वाले आदमी के पास ही जीवन बहुत बड़ी जीत होती है। इसलिए बंधुओं एक ध्यान रखना, अपने आप के लिए सबसे पहले एक चीज मत सोचना, पीछे मुड़ के नहीं देखना कि कितने लोग आपके पीछे। अगर आपको जिनवाणी का श्रवण करना है, जिनवाणी का वाचन करना है, जिनवाणी का अनुकरण करना है, तो आप कभी ये मत सोचना, देखना नहीं पीछे मुड़ करके कि कितने आपके साथ हैं। बस एक बात आप कर लेना कि मुझे जिनवाणी का स्वाध्याय करना है, क्योंकि एक ध्यान रखना हमेशा ही शराब की दुकानों पर भीड़ रही है। अभी लॉकडाउन टूटा था ना, तो सबसे ज्यादा भीड़ किसके पास थी, कितने किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी, 3 किलोमीटर। क्यों लग गई, तो ये ध्यान रखना, एक बात आप समझ लेना। लेकिन जिसको जिनवाणी पढ़ने का स्वाध्याय करने का नशा आ जाता है, जिसके लिए जिनवाणी समझ में आ जाती है, जिसको जिनवाणी का बोध हो जाता है, आंटी जी पूजन करने बैठ रही आप क्लास में बात नहीं करेंगे, अब पूजा करना है तो पूजा कर दो आप ऊपर। अब आपके पास ये बात आती है कि आप ये वैद्य जो है आकस्मिक वैद्य है। आकस्मिक का मतलब होता है जो धन की कोई
अपेक्षा नहीं रखते हैं वो आकस्मिक वैद कहलाते हैं, और जो धन की अपेक्षा रखते हैं वो आकस्मिक वैद नहीं कहलाते। तो आपको कौन से वैद्य चाहिए? वो वाले वैद्य चाहिए जो आपके अनुसार सोचे और आपके अनुसार चिंतन करें, जो आपके अनुसार चिंतन करें, ऐसे वैद्य को आपको नहीं चाहिए। तो आप कहते हैं अनित्यम अत्र अत्राणम, अनित्यम अत्राणम अहम क्रिया भी अनित्य है, अत्राण है, और अहम क्रिया के द्वारा प्रसक्त मिथ्यात्व वसाय दोषम, मिथ्यात्व वसाय दोष है। आप ध्यान से सुनना जरा, अत्राण माने कोई शरण नहीं, रक्षक नहीं, और अनित्य माने एक ऐसा गाना फिल्मी गाना है जिसमें 12 भावना का पूरा शब्द है, वो तुम लोगों ने कभी सुना है क्या? सुना तो अच्छा, अगर मैं वो गाना सुना दूं तो आप 12 भावना उसमें से निकाल लेंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे आप? क्योंकि आपका चिंतन उस तरफ नहीं जाता है। आपका चिंतन किस तरफ जाता है? आंटी जी आपके पास किताब है, आप बैठी हो ना? नहीं वो रखी हो, और भी लोग उठा सकते हैं, क्योंकि बिना पुस्तक के आप बैठ रहे हैं तो मेरी समझ से आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे। अच्छा कर क्या करो? कुछ अच्छा करो। और अच्छा कैसे करेंगे आप? अच्छा कैसे ये करेंगे? अच्छा जब होता है जब अपने हाथ में पुस्तक होती है। अब अनित्य अत्राण अत्राणम अहम क्रिया भी, जो अत्राण है अर्थात जिसका कोई रक्षक नहीं। तो देखो गाना है बहुत अच्छा, ध्यान से सुन लेना जरा, तुम लोग सब लोग मिलकर और गाना में सुना रहा हूं, फिर है और उपकार भी उनका है। जी हाँ आपने सुना? कौन सा सुना? क्या बात है, आप हमारे सही ध्रुव बिंदु पर पहुंचे। कश्मे वादे प्यार वफा सब बातें बातों का क्या, कोई किसी का आखिर तुझको आग लगाएगा।
तेरा ही अपना खूनी आखिर तुझको आग लगाएगा। हो आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। अब यहाँ पर असरण भाव में आ गए, होगा बसिया तो कहते गणपत देवी देवता मात पिता परिवार तो मरती विद्या जीव को कोई निराकरण। और यहाँ क्या कह रहे हैं, होगा मसीहा, मसीहा माने भगवान, होगा मसीहा सामने तेरे तो भी ना पच पाएगा, तेरा ही तो खून ही आखिर तुझको आग लगा। आग कौन लगाता है, तेरा बेटा तेरा बंदा तेरे लिए ही आग लगा देगा। और आप क्या करेंगे, तो ये असरण भावना है, अनित्य भावना है। कितनी भावना है, अनित्य असरण संसार और एकत्व, कितनी भावना है, चार भावनाएं। अब इसके बाद की आगे की भावना और सुन लो, सुख में तेरे साथ रहेंगे, दुख में तुझको छोड़ेंगे, तेरे ही बन करके एक दिन तेरे दिल को तोड़ेंगे, देते देते भगवान को धोखा इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसम पादे प्यार बस बातें बातों का क्या, कोई किसी का यार नहीं है नाते हैं नातों का क्या। आप लोगों ने कभी इसका चिंतन किया क्या है, सही है तो दादाजी आपको तो याद रहेगा, लेकिन आपने कभी ऐसा चिंतन किया क्या, वो ही चीज है कुछ दूसरा नहीं है, इसीलिए कहते हैं कोई बुरा कोई खरा नहीं, वस्तु विविध स्वभाव है, तू वृथा बिकरा ठान मन में करत राग को पाव है। तू व्यर्थ में जे महाराज जी अच्छे, जे महाराज जी खराब, जे महाराज जी अच्छा बोलते, जे महाराज जी खराब बोलते, जे महाराज जी बहुत अच्छा मनोरंजन करा देते, आप इसमें उलझ जाते, जिन वाणी में उलझो राग द्वेष की प्रवृत्ति को। तो क्या कहते हैं लोग, एक ध्यान रखना, चुगली में विश्वास करते हैं, बैठ करके महाराज जी को पाठी पढ़ाते हैं, लेकिन इसलिए क्या होता है, फिर क्या कहते हैं बाद में खनिज मन में महाराज जी, महाराज जी की उम्र नैया वापस कैसे करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आप महाराज जी का उदाहरण मत दो, उनसे तुलना मत करो, आप खुद विचार करो, संसार को कोई अच्छा नहीं है और संसार को कोई बुरा नहीं है, ये वस्तु विविध स्वभाव वाली है, वही चीज अच्छी है वही चीज बुरी है। और राग द्वेष आप किसमें करते हैं, बीत राग कावे की राग द्वेष कर लेते, ए भगवान मेरे इसके हूं, ये मंदिर मेरा है, मैंने इतना सब कुछ किया महाराज जी, इतना साल तक मैंने सब कुछ किया, लोग सब भूल गए, आप इसमें दुखी मत हो अनिल जी, आप दुखी मत हो। ध्यान रखना जो तुमने किया है अगर खुद के लिए किया है तो कभी दुख नहीं होगा, और अगर तुमने समाज के लिए किया है तो हमेशा दुखी होगे, क्यों कि समाज सबको भूल गई, किसको भूल गई, गलत कह रहे हैं। एक बात बताओ, आचार्य अकलंक देव ने अपने भाई की बलिदान दिया इस समाज के लिए, धर्म के लिए, और मैं पूछना चाहता हूं कि पूरी समाज से की बताओ ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, इतने ग्रंथ में क्या लगा है तो पूछे भी नहीं, उनके ग्रंथ लिखे हुए ग्रंथों के नाम पूछने से तो आज जिन आचार्य ने
लेकिन इसके बाद भी उनकी लिखी हुई ग्रंथ की नाम पता है क्या? किसको पता था? दो ग्रंथों के नाम बताओ, पता हो तो तत्वाद राजवादी, एक दूसरा, एक की बात नहीं है, दो की बात भी है। तो अब इस बात के लिए बहुत अच्छी तरीके से समझ दो और सुन लो, जिन्होंने इतनी बड़ी आहुति दी है उनके जगदान में रहे तो आप और हमारे क्या नाम रहे? बात सही की गलत सही दिखाई, अगर सही हो तो नहीं हो तो मत बदल। तो इसलिए एक ध्यान रखना, अपने जीवन में लाल वंश की परिणति भीतर आत्मा में अगर तुम करोगे, भीतर मूर्ति में करोगे, मंदिरों में करोगे, तो तुम ध्यान रखना कि तुम्हारे लिए कभी भी मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं। जिनके निमित्त से राग द्वेष मिटाए जा सकते हैं, उनके निमित्त से अगर आप राग द्वेष करते हैं तो आप उल्टी दवाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उल्टी दवाई। इसलिए एक ध्यान रखना, वीतरागता की मूर्ति देख करके राग द्वेष मिटते हैं और हम लोग बढ़ाते। आज मैंने एक बात सोची, मेरे सोचने में आई, अपन ने चैनलों के ताले लगा दिए, लगा दिए मैंने, और 40 लोग जब ताले बजा बजा करके आरती गाएंगे तो ताले लगाने का औचित्य क्या है? आप विचार करना मेरी बात, मैं आप लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको विचार दे। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो एक सज्जन से जब कहा तो बोले आरती पढ़ने पड़े महाराज जी। अब आरती अगर पढ़ना ही पड़ेगी तो बात फिर, तो आप कहे आरती पढ़ना पड़ेगी तो दूसरा कहेगा अभिषेक करना पड़ेगा, तीसरा कहेगा पूजन करना पड़ेगा, चौथा कहेगा तो कमेटी का वेतन देती कमेटी को तेरी व्यवस्था बनाएगी, तो वो क्या करेगी कमेटी, क्या करेगी? इसलिए बंधुओं एक ध्यान रखने का है कि सबसे पहले जीवन में धर्म की मुख्य चीज होती है वो वीतरागता होती है, और वीतरागता को देख करके अगर राग द्वेष पैदा ना हो, अरे उनको ऐसे करो तो हमें रोक दो। अभी अपने गोदरे के मंदिर में महावीर खूब बड़ा झगड़ा हो गया था इसी बात को लेकर, और शांति रखने थे दूसरे दिन कर लेते तो कोई पाप थोड़ी है, उनमें कमी नहीं हो जाती, लेकिन झगड़े से क्या होगा? बंधुओं जिन मंदिर झगड़ा मिटाने के लिए है, साधुओं का समागम झगड़ा मिटाने के लिए है, और ये जो संभवनाथ भगवान का स्मरण कर रहे हैं, ये संभवनाथ भगवान का स्मरण 12 भावना से जुड़ा हुआ है। कल ही मैंने कहा था कि वैराग्य पैदा कराने वाला है, और जब हम वैराग्य की ओर बढ़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें शांति प्राप्त होती है। इसलिए उन्होंने क्या कहा था, वो आचार्य से कहा, अहंकार मय विभाव भावो में क्यामल से रंजित है, क्षण मेरा है प्राणहीन है, जगत रहा सुख वंचित है, जनन मरण से जरा रोग से पीड़ित लोग विकल रहा, उसे किया जिन निरंजना मैं शांति पिला कर सवर तो शांति मैं जो है वो समय है। बंधुवर शांति इदम जगत, ये सारा का सारा संसार आपने कलंक रहित होने से मुक्त रूप शांति को प्राप्त कराया। जितने भी लोग हैं उनकी शांति को प्राप्त कराने के लिए ये हमारे लिए उपाय दिया है। तो शांति कैसे मिलेगी? एक उपाय आया
क्या आया? शांति का जगत अलिप्त है, एक असरण है। अहम क्रिया अहंकार के द्वारा उससे पृथक होकर के जुड़ करके मिथ्या अवधारणाएं दोष उत्पन्न करती है। अनित्य को नित्य मान लिया जाता है और जो असरण नहीं है उसे सरण, असरण है उसे सरण मान लेते हैं। जैसे अपन को मंत्र तंत्र आदि को अपन सरण मान लेते, मंत्र का वाला अपसरण हो जाएगा। तो इसीलिए एक ध्यान रखना, बहुमत मणि मंत्र तंत्र हुई मरते न बचावे कोई। इसलिए शांति कहाँ से आएगी? तो शांति हमारे जीवन में अगर आएगी तो आप जब समझेंगे मिथ्या क्या है, सम्यक क्या है, स्वस्थ क्या है, अस्वस्थ क्या है, और ये जब आप इस चीज को समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए शांति प्राप्त हो सकती है। इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए हर आदमी को एक ही चिंतन करना पड़ेगा, एक ही विचार करना पड़ेगा। वह विचार होगा आत्मा के कल्याण का मार्ग कैसे आए, कैसे हो। इन शब्दों के साथ हम एक अहंकार को कम करें और वितरागता के स्थान पर राग दोष को समाप्त करने के लिए आगे बढ़े। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़े पंच पंडित भगवान की, आचार्य कुंद देव की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की, जावाणी के ज्ञान मुनि श्री कुत्तू सागर महाराज की।